उम्मीद है कि अच्छे हमें स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में, और नए ब्लॉग बना रहा हूँ मैं अपने गांव से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में जन्मभूमि, कर्मभूमि, कांडभूमि तीनों दिखाने वाले हैं, बहुत ही मजा आएगा वीडियो में। उससे पहले अपने घर के आसपास के बारे में बात करें तो घर के जस्ट बगल में एक छोटा सा पोखरा है। इस पोखरा के मजा के बारे में बात करें तो दुनिया के किसी भी स्विमिंग पूल में वो मजा नहीं है जो मज़ा इस पोखरा में जब बचपन में लंगटे कूद के नहाने में था। वो उसके लिए ना जाने कितना बार मार खाए हुए हैं अपने पेरेंट्स से। और जस्ट पोखरा के बगल में मेरा घर है, वो पीपल का पेड़ देख रहे हैं, पीपल का पेड़ मेरे दरवाजे पर ही है। और जो छोटा सा घर देख रहे हैं वो मेरा ही घर है। और घर के जस्ट जैसे बात करें तो एक और पीपल का पेड़ है मेरे, मतलब घर के आसपास में टोटल 5 पीपल का पेड़ है। गर्मी में भी मतलब ठंडे का एहसास होगा, इतना ज़्यादा मज़ा आता है मेरे गांव में। और इधर देखेंगे तो इधर खाली है, इधर तो कुछ दूर के बाद भी घर है। तो वीडियो में बने रहिएगा, अभी जस्ट अपने मतलब नया घर बन रहा है वहाँ पर दिखाने वाले हैं। और जस्ट बगल में मेरा एक चौक है घर के पास में ही, वो भी दिखाने वाले हैं। वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि मेरा कोबरा फ्रेंड आ रहा है, उसके साथ वीडियो बनाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। इतना हरियाली गेहूं को लोग काट काट के पूरा धजिया उड़ा दिया, क्योंकि इसी में घर बनने वाला है। और घर बनने वाला है, पहले मम्मी को गेहूं बो दी थी इसमें, अब ये गेहूं कटा रहा है। लोग पूरा लूट मार कर रहा है अपने अपने मतलब मवेशी को खिलाने के लिए। बाकी इधर का इसी में घर बनेगा मेरा न्यू वाला घर। ये मेरा नया घर बनने का स्टार्टिंग हुआ है, जब ये पूरा बनना चालू हो जाएगा अच्छा से तो आप इस पर एक अच्छा वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यही इसका लोकेशन है, अभी शुरू हुआ है बनना। हम अपने चौक पे आ गए हैं, नहीं बना, पूरा उज्जर हो गया है। और इधर बगल में देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है, बगल में शिव जी का मंदिर बन रहा है। और इधर देखेंगे तो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और इधर क्रिकेट अभी चल रहा है, अभी चलेंगे वहीं पर। बाकी बीच में नहर है, नहर में अभी पानी नहीं है, जब पानी होता है तो बहुत मज़ा आता है, इसी पर हम लोग कूद के नहाते हैं। ये मेरा सबसे प्रिय मित्र, और ऐसा मित्र है कि ना कहा जाता है कि ये गांडू था, गांडू है और गांडू ही रहेगा। क्या हो गया वक्त ने इसको छक्का बना दिया तो। बाकी इधर की बात करें तो इधर पूरा हरियाली हरियाली गाँव ही मिलेगा। चलेंगे चौक पर, अभी उधर क्रिकेट चल रहा है तो इसीलिए इधर आ गए हैं। बाकी लोकेशन बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल खाली जगह। यहाँ पर फिल्म शूटिंग होता तो कितना मज़ा आता, हम भी हीरो होते तो फिल्म शूटिंग करते हैं यहीं पर ना, पूरा नहर में, हम और मेरा दोस्त। जब पानी आता था तो इसी में हम लोग छपक्का मारते थे पुल पर से। इधर देखेंगे तो कुछ दूर के बाद गाँव मिलेगा, यहीं पर हम लोग का दुर्गा पूजा होता है इसी चौक पर। अच्छा चौक है, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार लोग ऊपर जाता है, नीचे जा रहा है, क्या कीजिएगा। मेरे तरह चौक वो है, नए घर दिखाए हैं, वो नए घर यहीं पे बन रहा है पास में ही, जो मरे दिख रहे हैं ना यहीं पे बन रहा है, वो यहाँ से नहीं दिख रहा है, चौक के पास में ही है वो। और पुराना वाला घर की बात करें तो पुराना वाला घर यहीं पे है, तो अब दिखाया ही है। तो यही मेरे गांव का सीन है। तब दोस्त कहाँ जाना है, चला ए चला कहाँ जाना है। Into them, my mind can't seem to break away.